हेलो एंड वेलकम बैक टू एजुकेशनल हाइक्स। दिस इज योर प्रेम भैया। क्या हाल चाल है एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस वीडियो। ये वीडियो पर्टिकुलरली क्लास 10th वालों के लिए बना रहा हूँ, और वो बच्चे जो हाफ ईयरली एग्जाम उनका 15 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में, मैक्सिमम इतने दिन में सभी स्कूलों में एग्जाम हो जाने वाले हैं। अब भाई 10th में इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं, वहां पर टाइम दें कि इंग्लिश जैसे मतलब इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट के लिए कौन टाइम देता है भाई, मुझे अच्छे से पता है ना। तो तुम्हें इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम ना देना पड़े, इसलिए हमने ना बहुत छोटे में आज के इस वीडियो में बहुत ही छोटे में हमने इंग्लिश के जितने भी हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको एक जगह नोट डाउन करा, कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और उनमें क्या रूल्स अप्लाई होते हैं वो हमने आपके लिए खींच कर निकाल कर लेकर आए। और इसके बदले बस तुम इतना कर दो कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये वीडियो जो है वो स्टार्ट कर सके, है ना। कर दिया, चलो चालू करते हैं। सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। आज हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एरर करेक्शन के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपके जो गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्लियर हो जाने वाले हैं ना। कैसे ये देखते चलो, ध्यान से पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम होना चाहिए भाई जो भी है उसको पढ़ो, है ना। तो I did not know that this food is meant only for the staff members of the company। अब देखो इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो पता चल गया क्या गलती है। तुम बताओ क्या गलती हो सकती है इसमें। I did not know, मैं नहीं जानता था that this food is, मैं नहीं जानता था कि ये जो फूड है, मैं जानता था और फूड है, कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा भाई साहब। हाँ यही है हमारा पहला ट्रिक भाई साहब। एरर करेक्शन कर रहे हो ना तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान देना है तुमको पता है। पहले ध्यान दो कि टेंस कौन सा है। हमने डिड से देख लिया, डिड कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है। जी हाँ ये होता है पास्ट, मोटा मोटा मान के चले तो पास्ट टेंस में होता है, वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। एम आई रॉन्ग? नहीं ना, सही बोल रहा हूं। अच्छा जब हमने देख लिया कि भैया हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है तो आगे आने वाली कोई भी वर्ब प्रेजेंट में नहीं रहेगी, फ्यूचर में नहीं रहेगी, किस में रहेगी, पास्ट में ही तो रहेगी ना। जी बिल्कुल, हमारा इज ये तो प्रेजेंट का है, नहीं होना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल हटा दो, क्या करोगे भैया हमारा जो एरर है ना वो हो जाएगा इज। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इज हमारा यहां पे गलत है। इज के जगह हम क्या लगा सकते हैं, हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आई डिड जो डिड है ये पास्ट को दिखा रहा है और इज जो है ये प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो भाई जो भी सेंटेंस जिस टेंस से शुरुआत हुई है उसी टेंस से खत्म होगी। और हमने वॉज क्यों लगाया ये भी जान लो, क्योंकि जो इज है ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। सेम ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है जो है वो है हमारा वॉज, है ना। तो इसलिए हम इसकी जगह वॉज लगाया हमने। तो आई होप आपको ये पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, और एरर करेक्शन का ये बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो और गलती ढूंढ के बताओ, अगर मिल जाए ना फटाफट कमेंट में मुझे बताओ क्या हो सकती है, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। चलो पढ़ो क्या लिखा है इसमें। लिखा है भाई साहब, आई मे लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब सबसे पहला काम जब एरर करेक्शन का क्वेश्चन आए ना तो उसमें से पहले ये देखो कि क्या सही है, उसको हटा लो क्योंकि उसमें तो गलती ढूंढना नहीं है। क्या गलत है वो तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जैसे मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं कि क्या क्या सही है, उसमें हम छेड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे उसमें हम। सबसे पहले लिखा है ऑन इंडिपेंडेंस डे, सही बात है भाई, किसी भी डे के नाम के पहले हम ऑन लगाते हैं तो यहां तो गलती नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स यानी महान फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, तो इसमें भी कोई गलती नहीं लग रही है, ठीक है भाई। किसके बारे में? ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, द भी लगा है तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, टू टॉक, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो मतलब यह है कि गलती हमारी यहीं के बीच में हो सकती है, आई मे लाइक, इन्हीं तीन में से कुछ ना कुछ गलती है। अब तक समझ गए होगे कि हमारा ये जो मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुआ है ये गलत इस्तेमाल हुआ है, यहां पर मे नहीं होना चाहिए। मे नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भैया? देखो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट मूड्स के लिए, राइट। जैसे अगर हम मे की बात करें तो मे का दो ही यूज है, मे का दो ही यूज है। मे का पहला यूज है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए,
पॉसिबिलिटी यानी संभावना। कितनी संभावना? केवल किसी चीज के होने की 50% संभावना होती है, तो हम मे इस्तेमाल करते हैं। मे का एक और इस्तेमाल है, एक और यूज है मे का। दूसरा यूज ये है कि भाई मे परमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी से अगर परमिशन मांगना हुआ। परमिशन किससे? फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल का मतलब होता है अपने से, बड़ों से, या जो ऐसे लोग हमसे अच्छे पोजीशंस में हैं उनसे परमिशन लेने के लिए हम कहते हैं ना, मे आई कम इन सर। तो वो जो टीचर बैठा है वो क्या है? वो एल्डर है हमसे, वो फॉर्मली हमसे हाई पोजीशन पे है। तो केवल यही दो इस्तेमाल होता है, यहां पर गलत इस्तेमाल हुआ है मे का। क्या होना चाहिए? चलो देखते हैं कि क्या मूड है, उसके बाद पता लगाएंगे कि कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा। मूड क्या है इसका? देखो मॉडल ऑक्सिलरी में अगर गलती है तो तुम्हें पता करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस को किस मूड में कहा गया है, बोलते टाइम स्पीकर का क्या मूड था। आइए देखते हैं, मूड को पता करते हैं, स्पीकर का क्या मूड था उस टाइम, है ना। क्या है भाई साहब? आई मे लाइक टू टॉक अबाउट द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे। ये एक इच्छा जताई जा रही है कि भाई मैं चाहूंगा कि मैं भी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में इंडिपेंडेंस डे को कुछ बोलूं। एक चीज मैं बताता हूं, इंटेंशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? इंटेंशन, या आपकी जो विश है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉट मे इट्स वुड। याद रहेगा वुड का इस्तेमाल किस लिए होता है? हम अपनी इच्छा दिखाने के लिए। आई वुड लाइक टू डू दैट, आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी, है ना। ये सब क्या है? आपकी इच्छा ही तो है ना। समझ में आया? पहला रूल समझ में आया जो पहले क्वेश्चन में देखा था, दूसरा रूल समझ में आया जो दूसरे क्वेश्चन में देखा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, और अब तक हमने दो चीजें सीख ली है कि भाई पहले हमें टेंस का पता करना है, कहीं टेंस तो गलत नहीं लगा है, और दूसरा कहीं मॉडल्स तो गलत नहीं लगे। दो चीज तो पता हो गई ना कि कहां गलती ढूंढनी है। पहले आइए दोनों इसी पे अप्लाई करके देखते हैं। वन कैन हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, वन कैन हेल्प द, टेंस में कोई गलती नहीं है क्योंकि एक ही टेंस का इस्तेमाल हुआ है थ्रू आउट द सेंटेंस, ठीक है। तो गलती कहां हो सकती है? एलिमिनेट करो। मैंने पुराना जो सेकंड क्वेश्चन में हमने तरीका अपनाया था क्या था? पीछे से एलिमिनेट करो। नीडी पीपल सही है, मतलब जरूरतमंद लोग, है ना। द ओल्ड एंड नीडी पीपल ये भी सही है, बुढ़े और जरूरतमंद लोग, यहां भी कोई गलती नहीं है। हेल्प, यहां भी कोई गलती नहीं है। गलती कहां है? वन कैन में ही गलती हो सकती है। अब जब कैन आया ही है मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज का गलत इस्तेमाल हुआ है, राइट। यहां पे कैन नहीं होना चाहिए। जब कैन नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए भैया? अब मॉडल ऑक्सिलरी है ना ये भाई, मैंने बताया ना मॉडल ऑक्सिलरीज अगर गलत इस्तेमाल हुआ है तो पहले मूड का पता करो कि स्पीकर किस मूड में बात कर रहा है, राइट। अब देखो सबसे पहले अगर हम कैन की बात करें तो कैन के भी दो इस्तेमाल हैं, कैन के भी दो इस्तेमाल हैं। पहला ये क्या बताता है? ये हमारी एबिलिटी को दिखाता है, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है या तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। एबिलिटी एंड पावर को दिखाने के लिए हमारे पास कैन है, समझे। और दूसरी चीज जो कैन होता है ना वो पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज की संभावना भी हम कैन से दिखाते हैं। लेकिन कितनी परसेंट संभावना? लगभग 80%। अगर किसी काम को करने के चांसेस बहुत ज्यादा है वहां पर हम कैन लगाएंगे। अब इस सेंटेंस में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं है, मतलब कैन नहीं लगेगा। तो जब कैन नहीं होगा तो क्या होगा भैया? सेंटेंस पढ़ते हैं, मूड का पता लगाते हैं। वन कैन हेल्प The old and needy people। अब बताओ, एक बात बताओ, हमें जरूरतमंद और बुढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। लास्ट में क्या आ रहा है? करनी चाहिए। और चाहिए ये ड्यूटी को दिखाता है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो यहां पर ड्यूटी दिखाई गई है कि भाई बूढ़े लोग और जरूरतमंद लोगों की जो मदद करना है ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी के लिए हम कैन नहीं लगाते, हम लगाते हैं या तो शुड या तो ought to, should या ought to। ought to हमारी ड्यूटी को दिखाता है, हमारी जिम्मेदारियों को दिखाता है कि हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी बूढ़े लोगों को और जरूरतमंद लोगों को मदद करने की जिम्मेदारी बनती है। तो हम गलत क्या होगा? गलत है यहां पर can, और करेक्शन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ought to।
तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं एरर करेक्शन में, राइट? अच्छा, तो कंपनी ऐसा चाहती थी नहीं, चाहती है और हमेशा चाहती रहेगी। तो भाई जो चीज चलती आ रही है, चल रही है और चलती रहेगी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे तुम रोज ब्रश करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, आई ब्रश माई टीथ डेली, है ना? मैं रोज सुबह नहाता हूं तो, या मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, इसमें समय का पता नहीं है, ये पहले भी होता था, अब भी होता है, होता रहेगा। इन सभी केसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इतना ज्ञान देने का मतलब सिर्फ इतना था कि हमको एम्ड हटाना है, एम्ड की जगह लगाना है क्या, कंपनी सिंगुलर है तो एम्स लगाओगे, है ना? एम्स, और गलत क्या था? एम्ड। किसी भी कंपनी का लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य आने वाले समय के लिए होता है, प्रेजेंट के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। आई थिंक कि समझ आ रहा होगा, है ना? मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और गलती इसमें आसानी से मिलने वाली नहीं है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? लिखा है क्लाइमेट चेंज इन अ इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख Has shrunk glaciers. हिंदी में इसका मतलब समझे तो, जो इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख है वहां पर क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। गलती कहाँ हो सकती है भाई साहब? पहले तो टेंस देखते हैं, टेंस सही है कि नहीं। चलो, यहाँ पर चेंज वर्ड का यूज हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में है टेंस हमारा, किस में है? प्रेजेंट में है, ठीक है। और कोई वर्ब यूज हुआ है? और कोई वर्ब हैज यूज हुआ है, ये भी प्रेजेंट में है। तो टेंस तो चेक कर लिया, टेंस में कोई गलती नहीं है। गलती और कहां हो सकती है? फिर से पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज इन अ इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख। इसको ध्यान से पढ़ो, इस वाले सेंटेंस के पार्ट को अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको थोड़ा तो अटपटा लगेगा। इन अ इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख मतलब लद्दाख के एक इंडियन रीजन में, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लद्दाख में एक ही इंडियन रीजन है मेरे दोस्त, एक फिक्स एरिया को कहते हैं इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख, फिक्स एरिया है ना? तो भाई जब कोई चीज फिक्स है तो उसके पहले ये जो आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, मैं तुमको दिखा दूं थोड़ा सा क्लियर, मैं तुमको थोड़ा सा क्लियर दिखा दूं तो आपको दिखेगा, ठीक है? ये जो ए हमारा आर्टिकल यूज हुआ है ना, दिस इज इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो इन उन चीजों के सामने लगते हैं जो चीज फिक्स नहीं होती है, जो चीज इनडेफिनेट होती है। लेकिन हमारा इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख, ये तो फिक्स एरिया है ना, तो फिक्स के लिए हम क्या लगाते हैं? कोई चीज जब कन्फाइंड हो, कोई चीज जब डेफिनेट हो, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। अब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। जब तुम ए काट के द लिखोगे तो अब पढ़ के देखो, क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख हैज श्रंक ग्लेशियर्स। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो भाई साहब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ना, क्या लिखा है? लिखा है कि टू यील्ड अ गुड हार्वेस्ट वॉटर इज नीडेड टू इरीगेटिंग द फील्ड्स। अब तुमको यहाँ पर एक और शॉर्ट ट्रिक का पता चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, किस तरीके के, दिखाता हूँ, थोड़े रुक तो जाओ। अच्छा, गलती ढूंढनी है हमें। अगर एक बार तुम्हें पढ़कर पता चल जा रहा है कि गलती कहाँ है, तब तो तुम जीनियस हो। नहीं पता चल रहा है तो फॉलो करो। क्या लिखा है? टू यील्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल पैदा करने के लिए, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। टू यील्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल पैदा करने के लिए। क्या अच्छी फसल पैदा करने के लिए? वॉटर इज नीडेड, पानी चाहिए, वॉटर इज नीडेड, सही बात है। टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, वॉटर इज नीडेड टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, कुछ अटपटा लग रहा है, यहीं पर कुछ है, पकड़ लो भैया। वॉटर इज नीडेड में गलती नहीं है, मतलब टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, टू इरीगेटिंग द फील्ड्स, ये चार वर्ड में गलती हो सकती है। द फील्ड्स इसमें भी कोई गलती नहीं है, बचा टू इरीगेटिंग, यही गलती है मेरे दोस्त। क्या है? यही तो समस्या है। टू के साथ हम इरीगेटिंग नहीं लगा सकते, ये देख रहे हो आप, आई एन जी फॉर्म लगा है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू जो है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बड़ा प्यार करता है, कहता है तुझे मैं जाने ना दूंगा, है ना? तो इसलिए इरिगेटिंग में आईएनजी काट दो, केवल क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इरिगेट। तो हम यहां पर टू के बाद इरिगेटिंग हटाएंगे, इरिगेटिंग को हटाएंगे
और क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इरिगेटिंग का फर्स्ट फॉर्म, इरिगेट, इरिगेट। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है? क्योंकि अब ये नाउन का काम करने लगा, अब ये वर्ब नहीं रह गया, तो वर्ब नहीं रह गया तो आईएनजी क्यों लगेगा? नहीं लगेगा ना। और ऐसे तरीके के नाउन को हम इनफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिनिटिव, इनफिनिटिव। ठीक है, देख लेना आप। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हमें एक नई ट्रिक का पता चला कि भाई जहां भी हमें टू देखना है वहां पर कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो नाउन का काम करने लगेगा। इन तरीके के नाउन्स को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर कुछ भी करने से पहले मुझे एक चीज बताओ। मान लो तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई है तुम्हारा या बड़ी बहन है, अगर वो थोड़ी पतली है तो उसके लिए कैसा लड़का ढूंढा जाएगा? ऑब्वियसली एक पतला सा, स्लिम सा लड़का ढूंढा जाएगा। और अगर वो थोड़ी हैवी है, मोटी है, तो मोटा लड़का ढूंढा जाएगा। जोड़ी बैठानी पड़ती है ना, इस चीज को याद रखना, तभी क्वेश्चन नंबर 7 कर पाओगे। क्या लिखा है? लिखा है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स ऑफन कम सडनली। डिजास्टर्स अक्सर क्या आते हैं? अचानक आ जाते हैं। एंड कॉजेस ग्रेट सफरिंग टू दोज हु आर लेफ्ट अलाइव। अच्छा, कहाँ गलती हो सकती है भाई साहब? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा कि क्या हो सकती है। पीछे से चालू करें क्या? Who are left alive? यानी जो जिंदा बच गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा, and causes great suffering to those, इसमें भी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है ऐसे कोई। Disasters often come suddenly, disasters अक्सर अचानक आते हैं। अच्छा, गलती तो कहीं नहीं दिख रही है, गलती तो कहीं नहीं दिख रही है। जब गलती ना दिखे तो वहां पे एक चीज और चेक कर लेना कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है डिजास्टर्स, ये तो प्लूरल है ना, बहुत सारे डिजास्टर्स की बात हो रही है, बहुत सारे आपदाओं की बात हो रही है। जब ये प्लूरल है तो जो इसके बाद वर्ब इस्तेमाल होगी, इस सेंटेंस का जो वर्ब है वो है कॉजेज, है कि नहीं है? तो डिजास्टर्स प्लूरल हो गया, तो इसके लिए इसको प्लूरल वर्ब चाहिए ना। कॉजेस तो सिंगुलर वर्ब है भाई, जिसके लास्ट में एस या ईएस लग जाता है वो सिंगुलर बन जाता है। तो कॉजेस का प्लूरल क्या है? कॉज है। तो अब बैठ गई जोड़ी हमारी। डिजास्टर्स के साथ हम क्या यूज करेंगे? कॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो कॉजेस को हटाओ और क्या लगाओ? कॉज लगाओ। एक मिनट, हाँ, कॉजेस को हटाना है, कॉज लगाना है। तो भाई यहां भी कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको बस इतना याद रखना कि जोड़ियां परफेक्ट बिठाना, इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी जोड़ियों को बिठाना पड़ता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो 7 समझ में आ गया। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और इन 8 क्वेश्चंस में हमने जितने कॉन्सेप्ट्स कवर किए ना, ये तुम्हारे लिए रामबाण है, लिख लेना कहीं, वीडियो को पॉज करके या दोबारा देखने के बाद वापस आकर एक एक करके पूरे जितनी भी रूल्स में लिखवा रहा हूं नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और इसको पढ़कर, एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक नजर में इसकी गलती पता चल जाएगी। क्या है? डिजास्टर्स नीड इमीडिएट हेल्प एंड सॉल्यूशन। चलो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में चेक किया था, तो पहले यही चेक कर लेते हैं कि सिंगुलर प्लूरल है कि नहीं। चलो ये तो प्लूरल है, इसके साथ नीड वर्ड का यूज हुआ है, ये भी प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि इसके आगे एस और ईएस नहीं लगा, तो इनकी तो जोड़ी बराबर है, परफेक्ट है, सेंटेंस बन सकता है। अच्छा, डिजास्टर्स नीड इमीडिएट हेल्प एंड सॉल्यूशन, हु शुड बी प्रोवाइडेड एट द अर्लीस्ट? हु शुड बी, क्यों भाई? यहां पर जो हमारा हु है ये कुछ अटपटा लग रहा है। हु शुड बी कैसे हो सकता है? हु तो इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है ना, दिस इज फॉर पर्सन, दिस इज फॉर पर्सन, इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है हु का। तुम आप हम डिजास्टर्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर दे? डिजास्टर तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हु की जगह क्या होना चाहिए? हु के जगह विच होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। अब यहां से एक चीज याद रखना कि ये भी गलती आ सकती है कि जो प्रोनाउंस है, यूज ऑफ प्रोनाउंस भी गलत आ सकते हैं। कैसा? देखो, 2-3 चीजें हैं जो मैं तुमको बता दे रहा हूं, ये तो कंपलसरी है कि इनको पढ़ लो। क्या है? सबसे पहले तो हम इस्तेमाल देखेंगे विच का, ठीक है।
और ये सब जब प्रोनाउन के तरीके से यूज होते हैं, प्रोनाउन के तरीके से यानी सेंटेंस के बीच में आ गए तो क्या करोगे, ठीक है? तो तुम्हें करना ये है कि जो विच है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स को लेगा, वो नॉन लिविंग थिंग्स को रिफर करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स को, जो हमारा हु है ये हमेशा लिविंग थिंग्स को रिफर करेगा, ठीक है? एक और है, दैट इज दैट, दैट भी जब एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो तो ये नॉन लिविंग प्लस लिविंग दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है, बट इसके साथ शर्त ये है कि ये सेंटेंस के साथ फिट बैठना चाहिए। अब यहां से तुम एक एग्जाम्पल भी दैट का मैं तुमको बता देता हूं। जैसे एक बॉटल यहां पर पड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैड पिक्ड द बॉटल दैट आई लेफ्ट ऑन द टेबल, दैट आई लेफ्ट ऑन द टेबल, मैंने वो बॉटल उठाई जो मैंने टेबल पर छोड़ दी थी, याद आया? तो अब ये बॉटल तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन दैट यहां पर इस्तेमाल हुआ है। हम नॉन लिविंग के लिए विच भी तो यूज करते हैं, तो विच यहां पर नहीं आएगा क्योंकि तुम किसी चीज को रेफर कर रहे हो, दैट वन, ठीक है? विच वन नहीं कह सकते, ये तो मतलब तुम खुद ही कंफ्यूज हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि जब आप अपने हासिल एग्जाम में इन क्वेश्चन को करने के बाद एंटर करोगे ना, यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल, मोर कॉन्फिडेंट। इसलिए जितनी भी ट्रिक्स और जो कुछ भी बताया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो कैसी लगी वीडियो? और एरर करेक्शन पे और भी क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए ना, तो फटाफट कॉमेंट करो, जितना कॉमेंट करोगे उतनी जल्दी लेके आऊंगा। सो टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, और जय हिंद।